बच्चों के बारे में एक सवाल है भैया, जैसे कि बच्चे यदि जब एग्जाम होता है तो घबराने लगते हैं, तो उस घबराहट के पीछे बच्चे हैं भैया, थोड़ा सा बताए कि उनका क्या उसमें सोचना है। जी, तो इसमें मूल मुद्दा ये है कि हमें भय क्यों होता है, जी ठीक है ना? तो जैसे अगर अपने आप में एक्सप्लोर करें कि हमें किसी भी परिस्थिति में भय क्यों होता है, जी तो उसका एक भाग है परीक्षा का भय होना, ठीक है ना? तो अगर इस परीक्षा वाले भाग को पहले ले लेते हैं, तो दिखता है कि परीक्षा का कुछ वांछित परिणाम चाहते हैं कि परीक्षा आई जी तो हम उसमें उत्तीर्ण हो, हमारा पर्टिकुलर रैंक हो, पोजीशन हो, पास हो जाए, है ना? इस तरह की हमारी कुछ अपेक्षा बनी होती है। और उसके साथ ये भी लगता है कि उसके लिए जो अपने को काम करना था, जो प्रयास करना था, उसमें कुछ कमी रह गई होगी, ये भी अपने आप में शंका रहती है। इसलिए उसका शंका रहता है कि पता नहीं उत्तीर्ण होंगे कि नहीं होंगे, उसमें पास होंगे कि नहीं होंगे। तो एक तो हमें देखना पड़ेगा कि जिसको भी हम अभी परीक्षा के रूप में देख रहे हैं, वो हमारे निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने में आवश्यक भी है कि नहीं। तो अगर हमने कार्यक्रम ही गलत बना लिया, योजना ही गलत बना ली, तो उसमें हम उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण हो, उसे सुख तो सुनिश्चित होगा नहीं। तो पहला काम तो ये करने की जरूरत है। दूसरी बात कि अगर हमको लगता है कि हाँ ये आवश्यक है, तो उसके लिए जो अपनी तरफ से प्रयास होना है, उस प्रयास को हम पूरा करेंगे। हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे अगर कि परीक्षा हम क्यों दे रहे हैं, ये दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाने के लिए कि दूसरा हमको सम्मान करे, है ना? या कोई शरीर से अनुकूल संवेदना पाने के लिए, तो हमारी स्थिति एक प्रकार की होगी। अगर हम ये देख पा रहे हैं कि वो परीक्षा एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है, ठीक, तो फिर हम सिर्फ परीक्षा तक अपने योजना कार्यक्रम को नहीं देखते हैं और परीक्षा के परिणाम तक, हम उससे आगे भी देखते हैं। तो हमको दिखता है कि अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए जो मुझे तैयारी करनी है, उसका एक पड़ाव है ये परीक्षा, और इसमें उत्तीर्ण हो मैं अपनी योग्यता का एक सीमा तक आकलन कर लूंगा, ठीक, फिर अपनी योग्यता को और बढ़ाने का काम करूंगा। इसको मैं कुछ उदाहरण से भी स्पष्ट कर देता हूँ। तो जी जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहा है ना, ठीक। अब क्यों आईएएस बनना चाहते हैं? उसका एक कारण हो सकता है कि एक बार आईएएस बन जाए, फिर तो समाज में रुतबा होगा, सम्मान होगा, लोगों की निगाह में ऊपर चढ़ जाएंगे, जहां से गुजरेंगे, है ना, लोग मेरी ओर ध्यान देंगे, अखबार में, मैगजीन्स में मेरा फोटो छपेगा, नाम होगा, तो यानी दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाने की आशा है। दूसरा हो सकता है कि अगर हम एक बार ये बन गए तो इतना धन कमा लेंगे, है ना, कि खूब संवेदनाओं का सुख लेंगे, ठीक, जो चाहेंगे खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे। तो एक ये भी उसका एक विधि हो सकता है। परंतु इसका एक प्रयोजन ये भी हो सकता है कि एक बार ये पद होता है हमारे पास, तो समाज की व्यवस्था में मानव लक्ष्य को पूरा करने में हम भागीदार हो पाएंगे। तो अगर हमको मानव लक्ष्य को पूरा करने में अपनी भागीदारी दिखती है, तो साथ में ये भी दिखता है कि मानव लक्ष्य को पूरा करने में भागीदारी करने के लिए आईएएस होना एक विधि हो सकती है, एकमात्र विधि नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है ना, कि जी ये एक विधि है, एकमात्र विधि नहीं है। तो अगर इसमें उत्तीर्ण हो गया तो और अच्छी बात है, एक तरह से भागीदारी करेंगे। उत्तीर्ण नहीं हुए तो दूसरे तरह से भागीदारी करेंगे। तो उसमें वो फिर वो जो शंका भय है वो नहीं रह जाता। फिर हमको दिखता है कि ये पद का क्या निश्चित भागीदारी है मानव लक्ष्य को पूरा करने में, उसको समझा जाए, ठीक, और उसके और भी क्या विकल्प हो सकते हैं उनको भी समझा जाए। इस विधि से भी पूरा कर सकते हैं, उस विधि से भी पूरा कर सकते हैं, तो उसके अनुसार तैयारी करेंगे। अगर उत्तीर्ण हो गए तो अच्छी बात है, इस विधि से भागीदारी करेंगे, अनुत्तीर्ण हो गए तो दूसरी विधि से भागीदारी करेंगे। तो क्रक्स ये है कि हम उसे बाहर से कोई अनुकूल भाव पाने के लिए, अनुकूल संवेदना पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या मानव लक्ष्य को पूरा करने में भागीदारी करने में प्रयास कर रहे हैं। उसी को अगर हम बच्चों के साथ देखें, तो बच्चों का तो पहली बात ये कि विजन ही क्लियर नहीं होता, क्यों पढ़ रहे हैं। तो कई बार तो दबाव में पढ़ते हैं कि अगर फेल हो गया तो घर वालों से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ठीक, या बच्चे उपहास करेंगे, है ना? तो भय से पढ़ते हैं, उनको भागीदारी स्पष्ट नहीं है। तो एक तो काम जरूरी यह है कि बच्चों को भागीदारी स्पष्ट हो।
क्लास 1 से 2 में क्यों जाना है, 2 से 3 में क्यों जाना है ना, आगे भी क्यों पढ़ाई करनी है। तो उसमें फिर मैं क्या आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता को समझना बनता है व्यक्ति के स्तर पर। परिवार में समृद्धि के लिए जो प्रयास होना है उसको समझना बनता है। समाज में भागीदारी के लिए मानव लक्ष्य समझना बनता है। ये बेसिक इनपुट जाना है। फिर तो आप पाएंगे कि जो सब्जेक्ट्स को पढ़कर बच्चा एग्जाम दे रहा है, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के सीखने के और भी तरीके हो सकते हैं। और जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है बहुत छोटा भाग है। इनफैक्ट अगर उसको हम जीने जाते हैं तो हमें खुद से बहुत सारा स्कोप दिखता है समझने जीने का। तो एग्जामिनेशन हमारे लाइफ का एक बहुत छोटा हिस्सा रह जाता है। सब परीक्षा में उत्तीर्ण होना हमारे लाइफ का बहुत छोटा हिस्सा रह जाता है। हमें भागीदारी उसे बहुत विस्तृत दिखाई देती है। तो ये भय वाला भाग तो चला ही जाता है। उसके साथ हम उसका सदुपयोग करते हैं कि अच्छा, अगर हमने कोई चीज पढ़ी है और उसमें लिख पा रहा हूँ, यानी इतनी बात तो मुझे ध्यान में है, ठीक, अब इसका सदुपयोग कैसे करना है एग्जाम के बाद, उस पर काम करेंगे। तो हमने कोई फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ लिए तो इतना नहीं कि खाली उसमें पास हो जाना हमारा लक्ष्य है। हमें भी दिखता है कि उस फिजिक्स में जो हमने पढ़ा उसकी भागीदारी कैसे है। मानव के रूप में मुझे अपनी आवश्यकता पूरी करने में, परिवार के एक सदस्य के रूप में परिवार की आवश्यकता पूरी करने में, समाज के एक व्यक्ति के रूप में समाज के लक्ष्य को पूरा करने में, उसको हम देख पाते हैं इतने विस्तृत दृष्टि के साथ। तो ये अगर काम होता है ना तो बच्चों में जो भय है वो चला जाएगा। और इनफैक्ट जो परीक्षा की इतनी जरिए अनिवार्यता बन गई है वो भी कम होती जाएगी। अभी भी दिख रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में भी दिख रहा है कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि सिंपली थियरी को क्लास में पढ़ लेना और इसका एग्जाम दे देना, उसमें पास हो जाना, ये व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्यों ना बच्चों को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, बच्चों को इंटर्नशिप करने के लिए कहा जाए, बच्चों को सोशली यूजफुल या टेक्निकली साउंड, टेक्निकली प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। तो बच्चों को लगता है कि क्लास में जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको लिख देना तो बहुत छोटा भाग है जो आगे मेरे काम आएगा। ये बहुत सारा जो काम है वो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी भी है। तो बच्चे उस दिशा में जा रहे हैं, उस दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो बिल्कुल ये हो सकता है, परीक्षा का भय कम भी हो सकता है, परीक्षा का प्रॉपर सदुपयोग हो सकता है, और परीक्षा के बारे में जो बहुत सारी मान्यताएं हैं वो टूट भी सकती हैं। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।